जमीन निकृष्ट हो जाती है और इसलिए सबको परेशानी होती है, पोल्यूशन भी बढ़ता है सब, इसलिए वो साइकिल बढ़ती ही जाती है। तो वो साइकिल पहले जैसे लानी चाहिए, सब ऑर्गेनिक होके वो हो सकता है। मेरा नाम स्वाति गणपुले है, मैं उल्का नगरी में औरंगाबाद में रहती हूँ। मैं हमेशा मतलब धान वगैरह या सब्जी फ्रूट्स वगैरह ऑर्गेनिक बाज़ार से खरीदती हूँ। इससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बच्चों के लिए भी अच्छा है और पौष्टिकता ज़्यादा रहती है। टेस्ट तो एकदम नेचुरल है, अच्छा है एकदम। ऑर्गेनिक बाज़ार का चावल अगर ले लिया तो इसका पकाते वक्त ही इतना स्मेल अच्छा आता है, मतलब खाने को भी जी करता है, जितना पॉलिश वाला या बाकी के मतलब बाज़ार से लाया हुआ चावल रहता उसमें उतना स्मेल अच्छा नहीं आता। माझं नाव अपर्णा मुश्रीफ आहे। मी इथलं बहुतेक सगळंच म्हणजे घेत असते। डाळी आणि हे जे आहेत उसळी वगैरे या इथल्या खूपच छान आहेत, त्यात भरपूर प्रोटीन्स असतात। कारण ज्या म्हणजे रासायनिक खतावरचे जे आपण घेतो आहे ना उसमें ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरे नाही रहते, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स विटामिन्स यानी सब मिलता है। यानी जितना भी अपन खाते हैं वो सब अपने यानी अपने को लगता है ऐसे। आजकल जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके जो मीन्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या ये हो सकते, ये सब ये प्रोडक्ट्स खाने से वो नुकसान हमारे शरीर को नहीं पहुँचता है। और ये सब मीन्स इसमें दाल चावल सब स्पाइसेस सब मिलते हैं, तो एक्चुअली एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं और ये सभी को यूज़ करने चाहिए। और इसका एक और ये फायदा भी है कि छोटे फार्मर्स को भी एक नया मार्केट ओपन हो गया है। आजकल तो आधुनिक शेती पद्धतिन जास्ती रासायनिक खतांचा आहे ते वापर करून लवकर लवकर पिकं घेतले जातात, ते पण आपल्या शरीराला घातक आहेत, कॅन्सरसारखे रोग होऊ शकतात आपल्या त्याच्यापासून। तसं ह्या ह्याच्यापासून काहीच आपल्याला म्हणजे धोका नाही आहे, आपण बिंदास्त म्हणजे खाऊ शकतो आहे। ते खाताना अजून आपल्या मनात नाही नाही ती शंका येतात, बाबा आपण इतकं म्हणजे फवारलेले रासायनिक पदार्थ फळांवर फुलां म्हणजे धान्यांवर फवारतो, कसले कसले कीटकनाशक ते फर आपण कधी कधी धुवून घेत नाही, म्हणजे ते जर खाल्लं तर आपल्या शरीराला फारच हानिकारक आहे ते। आता इथले मी भाज्या वगैरे नेते नाही धुवून, पण त्या पण इतक्या छान टेस्टी असतात ना, आमच्या घरातल्या सगळ्यांनाच ते आवडतात। यहाँ इसलिए हम लोग आते हैं कि एक देखा है कि ये जो रासायनिक चीज़ों का जो उपयोग है उसे कई बार कई ऐसे प्रश्न हमारे हर निजी ज़िंदगी में उभरते आते हैं जिसका प्रत्यय हमें काफ़ी देर बाद आता है जब शायद उस पर कोई उपाय नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हम जब पढ़े लिखे लोग हैं और इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए ज्ञान लेने के लिए उपलब्ध हैं तो उसका उपयोग करके क्यों ना, और जो चीज़ मिल रही है आज हमारे औरंगाबाद जैसे कंपैरेटिवली छोटे शहर में भी IIRD के माध्यम से बड़े पैमाने पे ये प्रयोग किया जा रहा है। एक ऐसा तालुका है पैठन जहाँ पर करीब 1000 महिलाएं इस रोज़गार में खुद शामिल हुई हैं, खुद काश्तकारी करती हैं और उनके माध्यम से हमें सब्जियां और ये जो अनाज है, और कई ऐसे कई हिस्से हैं महाराष्ट्र के जहाँ से जैसे अभी तेल भी मिलता है, गुड़ आता है, जो चीज़ें यहाँ बनती नहीं है, ऐसी कई चीज़ें वहाँ से आती हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग इसका ज़रूर उपयोग करके अपने स्वास्थ्य के बारे में और थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के और सतर्क रहें। जो लेडीज़ यहाँ पे काम करती है पर्टिकुलरली फार्म्स में, तो उनके लिए मेरे मन में बहुत ये था, थोड़ा सोशल अप्रोच था। ऐसे बिल्कुल छोटे इसमें काम करने वाले फील्ड में काम करने वाले लोग जिनको इन्होंने एक मार्केट अवेलेबल करा दिया है एज अ सोशल वर्क काइंड ऑफ थिंग, और उनके काम के लिए मतलब हेल्प करना, इस हिसाब से शुरुआत हमने की। वी स्टार्टेड विथ ऑल टुगेदर डिफरेंट एंगल, लेकिन अब हमें रियलाइज होता है कि ये बहुत ज़रूरी है। हम इसमें पहले शामिल जो हुए थे वो एक समाज कार्य में हिस्सा लेने के नाते से हुए थे, लेकिन अभी ये इस मोमेंट का हिस्सा हम इसलिए बन गए कि हमारे हेल्थ के लिए भी जरूरी है, ऐसा हमें लगता है। With this film you have seen that organic farming is the answer for a grassroots level food revolution and the solution for the future. IIRD leads it.
भारत माझा देश आहे, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, माझ्या शेतीवर माझे प्रेम आहे, माझ्या शेतीवर माझे प्रेम आहे, माझ्या देशातील पुरुष व स्त्रियांना समान हक्क असेल, माझ्या देशातील पारंपरिक बियाणे आणि विविधतेने नटलेल्या संस्कृतीचा मला अभिमान आहे, त्या पारंपरिक बियाणे व सेंद्रिय शेतीची संरक्षण करण्याची पात्रता माझ्या अंगी आहे, म्हणून मी सदैव प्रयत्न करी मी माझ्या शेतातील किंवा आजूबाजूला उपलब्ध असलेल्या पशु पक्षी वनस्पती प्राणी सूक्ष्मजीव जंतू व सेंद्रिय बियाणे याचे संरक्षण करी मी पाण्याचा योग्य वापर करी व जलचरांचे संवर्धन करून सेंद्रिय खते बियाणे तयार करून त्यांचा वापर करी व जमिनीला जिवंत ठेवी मी माझ्या सेंद्रिय शेती विषारी औषधे खते तसे जीवात्म प्रक्रिया केलेले बीज प्रकार वापरणार नाही प्रक्रियासाठी नैसर्गिक पारंपरिक पदार्थाचा वापर करीन माझी सेंद्रिय शेती व माझे सेंद्रिय शेतकरी यांच्याशी निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करत आहे त्यांचे कल्याण आणि त्यांचा विकास यातच माझे सौख्य सामावले आहे